बॉलीवुड के लिए 90s का दौर एक्शन के नाम पर रहा, जहां पर अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी तीनों ने अपने अपने तरीके से पब्लिक को धुआंधार एक्शन की सौगात दी। हालांकि उस वक्त सुनील शेट्टी बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्टर थे, बट बीते दौर के साथ अजय अक्षय आगे निकल गए, सुनील पीछे रह गए। हालांकि सुनील शेट्टी आउटसाइडर थे, उसके बावजूद एक पॉडकास्ट में सुनील शेट्टी ने अपने फेलियर और अजय अक्षय के बीच में अपनी पूरी केमिस्ट्री को लेकर नई बात की। एक्चुअली सुनील शेट्टी एक पॉडकास्ट पहुंचे थे, जहां पर अपने करियर के सारे फिलॉसफी पर बात कर रहे थे। उनके अकॉर्डिंग जब मैं इंडस्ट्री में आया था तब बहुत नया था, एक तरह से आउटसाइडर था। मेरे फादर फिल्म इंडस्ट्री वालों को नकली यानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी सप्लाई करते थे, तभी किसी ने मुझे मूवी के लिए कास्ट कर लिया। तब मुझे ना तो कहानी की समझ थी ना ही स्क्रिप्ट की, जब कोई मुझे कहानी का प्लॉट सुनाता मुझे हंसी आ जाती। इस तरह से जिन्होंने मुझे जो काम दिया मैंने वो काम किया। क्योंकि मूवी स्टार्टिंग में चल निकली तो मैं एक्टिंग में काम करता रहा, हालांकि एक्टिंग को लेकर कहानी को लेकर बहुत ज्यादा अफ्रेंसिव सीरियस नहीं रहा। जबकि अजय अक्षय बहुत ही डेडिकेटेड एक्टर थे, अपनी कहानियों को लेकर बहुत ही ज्यादा संजीदा हुआ करते थे। और रही बात जलन की, सुनील शेट्टी कहते हैं उनको जलन तो नहीं होती, बिकॉज दोनों आज भी उनके अच्छे दोस्त हैं, और जब जब उनसे कोई बात करता है अजय अक्षय के बारे में वो कहते हैं मैं खुश हूँ उनके लिए, प्लस मैं उनसे इंस्पायर होता हूँ। मुझे लगता है आज भी इस एज में प्लस 50 के बाद आपको किस तरह काम करना है, फिट रहना है, एक्टिव रहना है, ये बात मैं अजय अक्षय दोनों सीखता हूँ। वक्त हमारा से लेकर आज तक हम देखते हैं हमारा वक्त चल रहा है। मैं भले बॉलीवुड में बिजनेसमैन के तौर पर सफल हूँ, वो दोनों एक्टर के तौर पर, बट हमारा वक्त कभी गया नहीं। सुनील शेट्टी कहते हैं कि ये दौर ऐसा है जहाँ पर हर तरीके का काम चल रहा है, और मुझे लगता है कि जिस तरह सनी देओल ने गदर से कमबैक किया आज उनके लिए बहुत खुशी होती है, वैसे कमबैक एक दिन मेरा भी होगा। आज सुनील कामयाब एक्टर भले ना हो लेकिन एंटरप्रेन्योर बहुत सफल है, बहुत सारे काम में पैसा लगाते हैं, क्रिकेट रेस्टोरेंट साथ साथ संभालते हैं। इसके अलावा जिस तरह फिटनेस को प्रमोट करते हैं उसे देखकर लगता है कि अजय हो या अक्षय, सुनील हो या फिर शाहरुख खान, सलमान खान हो या फिर आमिर खान, इन सब का वक्त पहले भी था 90s में, आज भी वक्त इन्हीं का है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।